السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أواز آرية كوي بتا سكي؟ جي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يثلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون बाद पिछली क्लास लहन के बारे में थी लहन के हमने अकसाम बयान किए थे लहन गलती को कहते हैं गलती करना मिस्टेक गलत पढ़ना और लहन बहुत से लहन के इस्तेमाल भी बहुत है मानी भी बहुत है तो वो हमने आपको बता दिए थे तो आप बता दीजिए कि लहन कितने मानों में इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में चार नंबर एक नंबर एक कौन सा है और किस मानी में आता है लहना जी इशारा करना ठीक है या किनाया इस्तेमाल करना ऐसी बात इस्तेमाल करना ऐसा इशारा करना कि जिसको आप समझाना चाहता है वो तो समझ जाता है लेकिन दूसरों को समझ नहीं आता हना नंबर एक दोबारा सुन लिए लहना लाम के ऊपर जबर हाँ के नीचे जेर नून के ऊपर जबर लहना इसका मतलब है किनाया इशारा करना ठीक है जो दूसरों को समझ ना आए जिसको आप समझाना चाह रहे हैं एक माने में ये आता है नंबर दो क्या होता है ये लहना जेर के साथ जो था उसका मतलब है आदमी का ज़हीन होना और सबसे पहला जो था लहना तीनों के ज़बर तीनों का जो जबर है लाम के ऊपर ज़बर हा के ऊपर ज़बर नून के ऊपर ज़बर वो है इशारा और किन इस्तेमाल करना लेकिन अगर हा के नीचे आपने जेर इस्तेमाल किया लहना उसका मतलब है आदमी का जहन होना इंटेलिजेंट होना और एक है तशदीद के साथ लहना लहना फिलक्राती तशदीद के साथ तो इसका मतलब है खुश आवाजी से तिलावत करना तिलावत को आमदा खूबसूरत बनाना तजवीद के साथ पढ़ना तो ये तीनों मानी जो हमारे टॉपिक के मुताबिक नहीं है इसको हमने सिर्फ जानना चाहा है। जिस लहन की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है और उसका क्या माना है वो है लहन उसका जो हा है वो साकिन है उसके ऊपर जजम है यानी दाल की तरह मुड़ी हुई शक्ल है हा के ऊपर तो उसको कहते हैं लहन यानी गलती मिस्टेक और गलती का जो है उनकी दो अकसाम है एक है छोटी गलती जिसको कहते हैं लहन खफ़ी यानी खुफिया तौर पर छुपी हुई गलती छोटी गलती जो सबको समझना आए सिर्फ़ मुझबीन को कुर्रा को, को समझ आता है अवामन्नास को वो गलती उस गलती का पहचान अवामन्नास को नहीं होता उसके बाद और उसकी जो है न सूरतें भी हमने बता दी थी कि लखन खफी की कितनी सूरतें हो सकती है और क्या क्या सूरतें हो सकती है वो बता दें कि कितनी सूरतें हो सकती है लखन खी की इसकी बहुत सारी हो सकती है में आप कम उबेश कर सकते हैं। अगर आप इजहार को अलग माने ईदगाम को अलग इखफा को अलग तो ये तादाद बढ़ सकती है इन तीनों को आप अगर एक शुमार करें तो फिर तदाद कम हो सकती है तो उसमें से एक सूरत ये भी हो सकती है कि जैसा कि इजहार है इदगाम है इखफा है जो क़वायद है नून साकिन और तनवीन की जो आगे आएंगे उसका लिहाज नहीं रखना इसी तरह कोई मोटा हर्फ है आपने उसको बारीक पढ़ लिया कोई बारीक हर्फ है आपने उसको मोटा करके पढ़ लिया मिसालें हमने दी थी और पढ़ के भी सुनाया था आपको पिछली क्लास में इसी तरह मध को खींचना था आपने उसको नहीं खींचा इसके बाद लफ्ज जलाला जहां पे मोटा करना था जी लफी को मुस्ततिर भी आप कह सकते हैं यानी चुपी हुई गलती है ये जी उसके बाद नून की अदायगी में तख़िर करना और आवाज़ को जो है ना हिलाना बहुत उसको कप कपाना ये क्या है ये भी लखन खफ़ी में आता है जी लखन खफ़ी की जो तारीफ़ है ही, ही। वो क्या है ऐसी गलती जिससे मानी तब्दील नहीं हो कुरान के जो कलिमात है उसका जो मतलब है मानी है लहनी खफ़ी से वो तो मानी मीनिंग चेंज नहीं होती बल्कि उसकी खूबसूरती में कमी आती है ठीक है और लहनी खफी वाला जो शख्स है वो गुनागार भी नहीं है ठीक है इसी तरह आखिर में भी हमने मध्य मतसिल और मुनफसल लाजिम का जो है ना नाम लिया था लेकिन वो ऊपर बयान हो गया था कि मध को खींचना था आपने नहीं खींचा इसी तरह मालूम हरकत या हरूफ उसको मालूम पढ़ना था उसकी अदायगी मालूम यानी समझ आ जाए कवायद के मुताबिक आपने उसको मजहूल पढ़ लिया जो किसी को समझ भी ना आए तो मजहूल किरात जो है वो भी लहन खफी में आता है और ये कभी कभी जो है मजहूल पढ़ना ये जाके लहन जली में चला जाता है और मानी भी चेंज होती है और ये सुनने वाले के ऊपर है आप अगर लहनी जली करते हैं खफी करते हैं यानी तिलावत को मजहूल करते हैं उसके कानों में जाके कुछ और लगता है तो मीनिंग तब्दील हो जाएगी तो इससे भी बचना जरूरी है तो अक्सर कुरान ने इसको हराम भी कहा है लेकिन अक्सर इसको मकरू समझते हैं तो मकरू हो या हराम हो दोनों दोनों हालतों में इससे बचना जरूरी है ठीक है तजवीज़ पढ़ने का फायदा क्या है पढ़ने का तो ये जो गलतियां हैं लहन खफी इस तरह छोटी छोटी गलतियां तो इसके इदराक में आपको आसानी होगी बल्कि आपको इन गलतियों का इधराक होगा बंब... जिस बंदे ने तजवीद ना पढ़ी हो वो इन गलतियों का वो इन गलतियों का जो है ना इदराक नहीं कर सकता बल्कि वो उस गलतियों को पढ़ के आगे जाता है लेकिन जब आप इनशाला तरवीद पढ़ेंगे तो आपको ये गलतियाँ भी समझ आ जाएगी आपको पढ़ने में जो है ना आपको जमीर आपको मलामत करेगा कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ और अगर कोई और शख्स पढ़ेगा तो आप उसकी भी इसलाह कर सकेंगे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे और गुजर रहे हैं आगे तो गलती का कफारा अदा करना गलती का क्या कफारा हो सकता है बस तोबा कर ले और अभी तजीद आप पढ़ रहे हैं तो उसके मुताबिक पढ़े बस यही कफारा है हर चीज का कफारा तोबा है कोई पैसे में से नहीं देना जो किसी ने बताया हो आपको वैसे अल्लाह के नाम पे सदका देना है तो दे दे बहुत सारा दे दे ठीक है तो जो दूसरी किस्म है आज का जो दर्श है लहन का जो दूसरा है हिस्सा है दूसरी किस्म है उसको कहते हैं लहन जली बड़ी गलती या जाहरी गलती जिस तरह वो लहनी खफी थी छोटी गलती या छुपी हुई गलती ये उसके बरक्स है लहनी जली यानी बड़ी गलती या जाहरी गलती ठीक है तो ये लहनी जली वो गलती है जिससे अल्फाज और मानी दोनों तब्दील हो जाए लहनी जली वो ग़लती है जिससे कुरान के अल्फाज और मानी दोनों तब्दील हो जाए और ये हराम है इसलिए शुरू में जो आपको बताया था कि इमाम जजरी जजरह फरमाते हैं कि मरमय कुरान आसिमो कि जो शख़्स तजीद के साथ कुरान नहीं पढ़ता वो गुनहगार है वो इसलिए गुनागार के अलफ़ के अल्फाज भी कुरान के तब्दील हो जाते हैं गलती से और उसके मानी भी तब्दील हो जाते हैं और मिसालें पहले गुजर चुकी है और आज भी मिसालेंश आएगी तो ये समझ लीजिए कि लहन जली क्या है लहनी जली वो गलती है जिससे कुरान के कलिमात यानी अल्फाज और मानी दोनों तब्दील हो जाए उसको लहनी जली कहते हैं और लहनी जली से बचना जरूरी है बल्कि वाजिब है तो इसकी क्या सूरत हो सकती है लहनी जली की उसी तरह है क्योंकि हमने इब्तदाई क्लासों में भी कहा था कि तजवीज में बहुत ख्याल रखना पड़ता है छोटी छोटी चीजों पर जो है ना फोकस करना पड़ता है और यही तजवीद होती है और इसी तजवीज़ से आपकी आवाज़ भी खूबसूरत होगी और अमदा आपकी तिलावत में रवानगी भी आएगी और आप जिस कारी का फिर जो है ना जिस कारी को आप कॉपी करेंगे करना चाहेंगे तो आपको आसानी होगी और आप कर सकेंगे तो इसकी क्या सूरत हो सकती है एक सूरत लखन जली की ये हो सकती है कि आपने एक हरफ को तब्दील कर दिया दूसरे हरफ से और मैं बार बार वही मिसालें दूंगा जो पहले हमने दी दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक हरफ को दूसरे हरफ से तब्दील करना तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में वही मिसाल आएगा और ये बार बार रिपीट भी होगी तो आपको बहुत आसानी होगी और जब आप इनशल किसी को समझाना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में यही आएंगे और आप आसानी से उसको भी समझा सकेंगे तो एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना अब अब सब के जहन में वही मिसाल आ गई होगी खौफ और काफ की अगर आप उसको बड़ा खफ जो है कलम वाला दो नुकतों वाला उसको आप काफ अदा करेंगे तो क्या होगा ये लहनी जली होगी यहाँ पर आप इसकी मिसालें बहुत है कल और कुल कुल बड़े काफ के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब है खाओ और कुल का मतलब कुल का मतलब है कहो बड़े काफ वाला और काफ जो छोटा काफ है उसका क्या मतलब है कुल खाओ इसी तरह कल्ब दिल को कहते हैं छोटे काफ के साथ कल्ब किसको कहते है? हैं कुत्ते को कहते हैं डॉग को इसी तरह इस्मन सा अगर आप सॉफ्ट पढ़ेंगे इफ्मन गुनाह को कहते हैं गुनाह आप अगर इस सा को सख्ती से अदा करेंगे इस्मन तो इस्म तो नाम को कहते हैं अगर किसी आयत में इसम है कि ये काम गुनाह है और आपने उसको सख्ती से पढ़ लिया कि तो माना तब्दील हो गया अल्लाह जो है ना गुनाह के बारे में फरमा रहे हैं और आप उसको गुनाह की जगह पर किसी का नाम नाउन के बारे में बता रहे हैं आप मिसालें बहुत सारी हो सकती है इसकी आगे चलते हैं इंशाल्लाह नंबर दो क्या हो सकती है किसी हरफ को लंबा कर दिया आपने हरफ को या हरकत को दोनों मिसालें आप ले सकते हैं हरक़त हरकत क्या होती है हरफ और हरकत में आप फर्क जान लीजिए आपको पता भी होगा लेकिन एक दफ़ा सुन लिए कि हरकत जो ज़बर जेर पेश जो हरूफ के ऊपर नीचे जो होते हैं हरकत जबर हो गया जेर पेश ये सारे इसको हरकत कहते हैं और हरूफ क्या होते हैं अलिफ या तक जो है ये सारे क्या है तो अगर आपने किसी हरकत को लंबा कर दिया तो भी माना तब्दील हो जाएगा और लहनी जली होगी लहनी जली होगी मसलन अन अम टम ता यहाँ पर ता के ऊपर जबर है इसको कीचना नहीं है हरकत है जबर को कीचना नहीं होता अगर आपने इस ता को इस जबर को खींच लिया अनता तो ये तस्निया में चला जाएगा आपने दरुसलह में पढ़ा होगा अरबी में हाजा और हाजा ने इसी तरह बहुत सारी मिसालें अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पढ़ेंगे इन तो अगर आप किसी चीज के साथ अलिफ लगाते हैं तो उसका मतलब तस्निया होता है ठीक है ये नोट्स के बारे में नोट्स uh, के बारे में जो है ना जिसने लिखा है तो नोट्स आपका जो ग्रुप है फेसबुक वहां पर पिछली सारी क्लास लिखी हुई है तो वहां से आप ले सकते हैं तजवीज का सब्जेक्ट सेलेक्ट करके क्लास वाइज जो है ना वो लिखी हुई है पहली क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास चौथी क्लास है या तीसरी क्लास है तो क्लास वाइज वहां पे सारी जो नोट्स है वो आपको वहां से मिल जाएगी इनशाला और इसी तरह जो आज की क्लास है तो ये कल इन या परसों ये भी अपलोड हो जाएगी तो हर क्लास के बाद उससे उसके अगले दिन वो अपलोड होती है फेसबुक जो में जो आपका ग्रुप है तो इसमें जो है नबाज तलबा अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना जहूद इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला, अल्ला ताला इनके जहूद को कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह तक केलम में जो है ना बरकत अती फरमाए इसका किताब हमने मुंतब नहीं किया है तजवीद का हम मुख्तलिफ किताबों से और जो है ना इसी तरह गूगल शरीफ से जो है ना जमा कर रहे हैं क्लास के मुताबिक किताबें चूंकि बाज़ किताबें बहुत लंबी है बहुत तशरी किया है बाज किताबें बहुत मुख्तसर है जो तजवी तीन चार क्लासों में ख़त्म हो जाएगा तो इसी तरह जो है ना हमने सबको जो है ना जमा करके मिला के और अपने क्लास के मुताबिक जो है ना नहिस्ता आहिस्ता और टेर ठहर कर जो है ना आवाज़ इंशाल्लाह समझाएंगे और इसी का नोट हम बनाएंगे और इसी को हम किताबी शक्ल देंगे आखिर में इंशाल्लाह तो अनाम तस्निया के बारे में पूछ रहे कि बता दे अरबी के अलावा और जुबानों में स्टार्टिंग जो एक काई होती है जो बेस होता है वो एक होता है फिर उसके बाद जमा होती है सिंगुलर और प्लुरल होता है अरबी के अलावा एक होता है वाहिद फिर होता है जमा लेकिन अरबी में वाहिद सिंगुलर के लिए अलग चीज इस्तेमाल होती है इसी तरह आप डल समझे दो समझे तस्निया दो बंदों के लिए अलग है और फिर दो के बाद जब तीन से जमा स्टार्ट होती है बाकी जबानों में अगर कोई चीज एक है तो वो एक है मुफरद है दो से जमा स्टार्ट होती है दो कल में, दो किताबें प्लूरल शुरू होता है दो से अरबी के अलावा लेकिन अरबी में प्लूरल तीन से स्टार्ट होता है तो जो दो है उसको क्या कहते हैं तस्निया एक को क्या कहते हैं मुफरद दूसरे को कहते हैं तस्निया और तीन के बाद फिर जमा होते तीन और तीन के बाद फिर जो है ना उसको जमा कहते हैं अरबी में तो तसनिया में अगर आपने किसी हरकत को खींच लिया उसका मतलब है तस्निया आप दो की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला ने फरमाया अन अमता हम यानी नमाज में जो पढ़ते हैं कि अन अमता से मुराद अल्लाह ताला मुराद है कि अल्लाह आपने इनाम किया है लेकिन अगर आप इसको ता ता या अनाम तुमा ठीक है तो ये फिर दो बंदों ने इनाम किया है तो ये गलत हो जाएगा इसी तरह दूसरी मिसाल ले लें काला काला का मतलब है एक बंदे ने कहा शख्स जो पिछली बात गुजर गई होगी उसकी उसने कहा लेकिन अगर आप इसको काला का जो लाम है इसको आप खींचेंगे काला बन जाएगा इसका मतलब है इसका क्या मतलब है कि उस दो बंदों ने कहा तो ये लहनी जली में चला जाएगा मीनिंग भी तब्दील हो गई और कलेमा लफ्ज भी तब्दील हो गया तो इससे बचना है तो जितनी आपको मकदार बताई जाए तजवीज में किस हरफ को कितना खींचना है किस हरकत को कितना खींचना है मद मददात बहुत सारे हैं किस मद को कितना खींचना है उतना ही खींचना है उससे ज्यादा आप खींचेंगे तो भी गलत हो जाएगा और उससे कम खींचोगे तब भी जो है ना गलत फिर दो सूरतें होगी या तो लहनी खफी होगी या लहनी जली लहन खफी अगर हो गई तो फिर आपने तजवीज पढ़ी उस तजवीद का जो है ना इतना फायदा नहीं हुआ कि आपने उसमें महारत हासिल नहीं की तजवीज में तो आपकी तजवी में खूबसूरती नहीं होगी मसलन एक बंदा ड्राइविंग सीख रहा है गाड़ी लेकिन उसकी गाड़ी चलाने में सफाई नहीं है वो यूं यूं इधर उधर जो है ना एक्सीडेंट का खतरा होता है तो उसकी गाड़ी चलाने का जो जो उसने ड्राइविंग सीखी है वो अच्छी तरह नहीं सीखी तो आप अगर तजी में महारत हासिल नहीं करेंगे तो आप उस ड्राइवर की तरह है जो गाड़ी को सही तरह चलाना नहीं आया उसको अभी तक इसी तरह और क्या हो सूरत हो सकती है किसी हरफ को खींचना था आपने उसको कम कर दिया ये बिल्कुल इस दूसर, एक दूसरे के अपोजिट है इससे पहले जो हमने बताया हरफ को नहीं खींचना तो आपने खींच लिया मिसाल अनामता अनामता काला काला इसी तरह एक हरफ को खींचना है अल्लाह ताला यानी तस्निया की बात कर रहे हैं दो बंदों की बात हो रही है आप उसको कम कर रहे हैं तो आप एक बंदे की बात कर रहे हैं मसलन जब आदम अलैहिस्सलाम और आ, अम्मा हवा रजीम दोनों को जब जन्नत में दाखिल किया अल्लाह ताला ने तो क्या फरमाया वला त्यादाया शजरा वला तकरबा आप इस को आप खींचेंगे तो इसका मतलब है दो तो आप दोनों इस दरख्त के करीब ना हो इस दरख्त के करीब मत जाइए लेकिन अगर आप इसको खींचना आप है आपने नहीं खींचा वाला तकरबा तो फिर इसका मतलब है मुफरत उनमें से एक करीब ना हो तो कुरान की मीनिंग जो है ना तब्दील हो जाएगी और ये नहनी जली में चला जाएगा और अगर जान बूझ के इस तरह करता है तो फिर गुनाहगार है और अगर वो इससे जो है ना मतलब जाहिल है इस आलम से उसको पता नहीं है तो फिर वो उसको माजूर शुमार किया जाएगा जिस तरह एक बंदा माज़ूर है पांव उसके नहीं है तो वो खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकता वो माज़ूर है तो वो बैठ के पढ़ सकता है इसी तरह इस इसमी तजवीज फनी तजवीज का अगर किसी के पास इलम नहीं है तो वो इस इसलम से माजूर है जब तक उसके पास इलम आ जाए उसकी उजर ख़त्म हो गई फिर वो तजवीद के साथ जो है ना कुरान पढ़ेगा और सीखने की कोशिश करेगा जितना उसके बस की बात है अगर एक बंदा सीखना चाहता है लेकिन वो उसकी उम्र ज्यादा हो गई उम्र का तकाज़ा अब यह है कि वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसके जहन में ये आवाज़ दाखिल नहीं होते फिर भी इन उसकी जो ये कोशिश है और मेहनत है ये अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है और इसी तरह जो है ना एक हजीज़ भी है कि एक बंदा क्रन की तिलावत कर रहा है और उसको उस तिलावत में मुश्किल होती है वो पढ़ने की उसको शौक है अदायगी का शौक़ है लेकिन पढ़ने में उसको मुश्किल दुश्वारी आती है तो इसके लिए दो अजर, दो अजर है एक तो इसकी तिलावत का अजर दूसरा एक जो उसको मुश्किल आती है उसका तो उस बंदी के लिए दो अजरे हैं दो सवाबे हैं यानी मिसाल दोबारा बता दें वाला तक बा बाद अलिफ आप अगर यानी बा को तो इसका मतलब है तुम दोनों करीब मत हो और वाला तकरबा तो उसका मतलब है एक बंदा करीब ना हो इसी तरह अगर एक हरकत को आपने एक और सूरत तीसरी सूरत क्या हो सकती है ये तो हरूफ थे खींचना था कम करना था हरकत को आपने पहला क्या था हरफ को बदल देना था फिर दूसरा हरकत को लंबा करना तीसरा हरकत को कम करना और चौथा हरकत को एक हरकत की जगह दूसरी दूसरा हरकत इस्तेमाल करना उसकी तिलावत करना एक हरकत को दूसरी हरकत से बदल देना ये भी लहनी जली है और मसला जी जोरबर ये मिसाल भी सही है जोरबा एक बंदे ने मारा जोरबा दो बंदों ने मारा ठीक है तो हरकत अगर आप तब्दील करेंगे तब भी माना तब्दील हो जाएगा मसलन इलाई का इलाई का काफ के ऊपर जबर है अगर इस जबर को इस जबर को आपने जेर से तब्दील कर दिया तो क्या हो जाएगा इलाई का मतलब है आपकी तरफ मर्द से मुखातिब है काफ के ऊपर जबर है तो इससे मुराद मर्द है लेकिन अगर आप उस काफ के नीचे जेर लगाएंगे इले की तो इसका मतलब है कि आप किसी मुन्नस से बात कर रहे हैं किसी औरत से बात कर रहे हैं तो मर्द और और औरत का फर्क हो जाएगा जबर और जेर से इसी तरह अंता अंत का क्या मतलब है आप आप कौन मुजक्कर लेकिन अगर आप किसी खातून से मुखातिब है तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे अंता की जगह पर अंती यानी आप आप किसी खातून से मुखातिब है तो अंती और आप अगर मर्द से मुखातिब है अंता नहीं वाला तक रा बा नहीं रा के बाद रा को नहीं खींचना अगर बा को आपने की अला तक रबा दो तुम दोनों और अला तक रबा बा को मत खींचे बा के बाद अलिफ हटा दे तो फिर इसी तरह सूरत हो जाएगी हरकत को तब्दील करना मिसाल इलाई का इलाई की याता अंति अंता का मतलब आप यानी मर्द और अंति का मतलब आप औरत अंता आप मेल अंति वो भी इसका मतलब भी आप है लेकिन फीमेल ठीक है इसी तरह किस एक और सूरत क्या हो सकती है पांचवी सूरत किसी हरफ को किसी मुतहरिक हरफ को आपने साकिन कर दिया मुतहर्रिक और साकिन जानते हैं किसको कहते हैं जी ये पिछले मिसाल जजाकल्ला आप किसी मर्द से बात करें जजाकल्ला और आप किसी खातून का शुक्रिया अदा करेंगे तो आप कहेंगी जजाकल्ला इसी तरह बारा हुफ़ी का और बारा कल्लाफी की मुतहर्रिक जिसके ऊपर कोई हरकत हो जबर जेर पेश वगैरह और साकिन क्या होता है जिसके ऊपर कोई हरकत ना हो साकिन हो जिसको उर्दू में हम जजम कहते हैं वो दाल की तरह मुड़ी हुई शक्ल उसको जजम कहते हैं तो जिस हरफ के ऊपर जजम यानी कोई हरकत ना हो वो साकिन हरफ है उसको अरबी में साकिन कहते हैं और जिस हरफ के ऊपर कोई हरकत हो जबर जेर पेश ठीक है तो फिर वो क्या है वो मुतहर्रिक है तो एक हरफ मुतहरक है आपने उसको साकिन कर दिया तब भी माना मीनिंग चेंज हो जाएगी और ये लहनी जली में चला जाएगा मसलन, جعلنا जा अलाना जला ना जा ना उसने हमें बनाया खलाका ना खलाका ना यानी अल्लाह ने हमें पैदा किया या जा ना उसने हमें बनाया लेकिन आप इस्लाम को साकिन अगर करेंगे जा तो इसका मतलब होगा कि हमने बनाया खलाक ना इसका मतलब है कि हमने बनाया ठीक है अगर लाम के ऊपर जबर इसको आप मुतहरिक करेंगे तो मुतहरिक का मतलब क्या है खलाका ना अल्लाह ताला ने हमें बनाया और अगर इस्लाम को आप साकिन करेंगे खलाक अब जा नाम लाम और खलाका नाम काफ खला ना में अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और अगर आप इस काफ़ को साकिन करेंगे खलाक ना हमने पैदा किया ठीक है और ये जो छठी सूरत हो सकती है क्या ये भी इसकी बिल्कुल अपोजिट है यानी पांचवी सूरत क्या हो सकती थी मुतहरक को साकिन करना इसी तरह साकिन को मतहरक करना और मिसाले यही दो है जला जालना और इसी तरह खला खला ठीक है इसी तरह किसी मुखफ को मुशद पढ़ना जी तस्निया के लिए अलिफ नून लगाते हैं आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन उसके बाद आगे जब फ़वाद पड़ेंगी इसके कुछ रूल्स है उसकी वजह से फिर नून हट जाएगा तो सिर्फ अलिप रह जाएगी तो वो भी तस्निया है नून के अलावा भी तस्निया होता है और नून अक्सर जगहों पर गिर जाता है ख़त्म हो जाता है ठीक है तो सिर्फ अलिप रह जाता है चट्टी नंबर दोबारा बता दो किसी साकििन को मुतहरक करना ये पांचवी का अपोजिट है मुतहरक को साकििन करना या छठी नंबर पर साकिन को मुतहरिक करना पांचवी में आप जालाना जालना ये दो मिसालें लिखें और छठी में खालाकान, खालकना, ये दो कह रहे कि सब रिपीट करें तो चलो एक दफा पूरा कर लेते हैं आठ है दो में और बताता हूं फिर फिर पूरी एक दफा रिपीट करता हूं तो नंबर सात नंबर सात क्या है क्या सूरत हो सकती है मुखफ को मुशद बनाना मुहफ्फ का क्या क्या मतलब है और मुश्दत का क्या मतलब है मुश्दत का ये मतलब है कि किसी हरफ के ऊपर तशदीद हो तशदीद वो जो तीन दांत होते हैं ना कांटा उसको क्या कहते हैं तशदीद तो जिस हरफ के ऊपर वो तशदीद हो कांटा हो तो वो उसको मुशद कहते हैं और जिस हरफ के ऊपर तशदीद ना हो उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं मुखफफ ठीक है ये वो वाला मुखफफ छुपा हुआ नहीं है ये मुखफफ यहाँ पर तखफीफ से है तखफीफ हल्का तशदीद भारी ठीक है उन के ऊपर तशदीद है तो उसको कहते हैं ये बारी है और यहाँ पर जो तखफीफ है मुखफ ये तखफीफ से है यानी हल्का है वो अरब हल्का है उसके ऊपर तशदीद नहीं है और जिसकी आप यानी खफी की बात कर रहे हैं खफी वो इख़फ़ा से है, इख़फ़ा से है ठीक है मतलब है छुपाना तो इसलिए वो लहनी खफी है और यहाँ पर तखफीफ जो है मुखफ्फ जो है तकफीफ से है तकफीफ का मतलब है हल्का ठीक है बारी और हल्का तो क्या मिसाल होगा ना नाअलमू यहां पर ये क्या है ना नाअलमू मुख्फ है इसके ऊपर कोई तशदीद नहीं है इसका मतलब क्या है नम हम जानते हैं यानी नम हम जानते हैं हमें पता है अगर हम इसको तशदीद पर लेकर जाएंगे निमो लाम के ऊपर तशदीद नम इसका मतलब है हम सिखाते हैं ठीक है तशदीद का मतलब क्या होगा निमो दूसरों को सिखाना और नयामों का क्या मतलब होगा तखफीफ का कि हम जानते हैं हमें पता है ठीक है जी मद अगर कह रहे हैं कि ज्यादा लंबी हो जाए तो क्या कौन सी गलती होगी तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा महासने तिलावत और अयूब भी तिलावत तो उससे मीनिंग तब्दील तो नहीं होगी उसको आप लहने हफी कह सकें कह याबी तिलावत में वो आता है कि तिलावत के लिए मुनासिब नहीं है ऐब नक्स कमी तिलावत की कमी नक्स आब उसमें आएगा और अगर आपने किसी मद को ज्यादा की इसलिए तो उससे कोई मीनिंग तब्दील नहीं होगी लहनी जली में वो नहीं आएगी लहनी खफी में आएगी इसी तरह नंबर आठ नंबर आठ क्या सूरत हो सकती है तखफीफ सुकून के साथ हो सकता है ठीक है सुकून भी तख़फीफ हल्का होता है लेकिन तशदीद तशदीद तखफीफ और तशदी में क्या फ़र्क़ है? मुहाफ और मुत में कि तशदी ना हो तशदी ना हो बाकी जो भी हो तो वो तख़फीफ है ठीक है मिसाल ना नमू हम जानते हैं हमें पता है और ये तख़फीफ की मिसाल है और हम सिखाते हैं नमु दूसरों को सिखाना ठीक है इसी तरह नंबर आठ एक दूसरे के अपोजिट तीन और चार एक दूसरे के अपोजिट थे पांच और छह एक दूसरे के अपोजिट थे अब सात और आठ एक दूसरे को के अपोजिट है देखो बाज लोग इंटेलिजेंट है हाँ लहिना है तो पहले से उन्होंने बता दिया कि मुशदत को महफ्फ पढ़ना ऐसे एक्टिव स्टूडेंट चाहिए तो बता दिया मैंने आपको कि तखफी खाफ नहीं आखिर में भी फा तखफी या फा तखफी ठीक है तो मुश्दत को मुहफ़ पढ़ना ये भी कौन सी गलती है लहनी जली में चला जाएगा और मीनिंग तब्दील होगी मसला वालमा कुरान में आए थे वह आदमाक अल्लाह तला ने आदम सलाम को सारे नाम सिखा दिए विकाना ऊपर भी हमने बताया नम हम सिखाएंगे आप वामा का मतलब एक ही मै ठीक है कि अल्लाह तिखा दिए आदम को सारे नाम ये लाम के ऊपर तशदीद है वह मीम के मीम के बाद कुछ भी नहीं है मीम के ऊपर जबर है वाहमा अल्लाह ताला ने सिखा दिया लेकिन आप अब इस तशदीद को आप तखफीफ कर दें लाम का जो तशदीद इसको खत्म करे वालिमा तशदीद को आप करें खत्म करे तो इसका मतलब है उसने जान लिया वह आलिमा का मतलब है जान लिया उसने खुद ब खुद और वह अमा का मतलब है सिखाया उसको जी वह उसने जान लिया खुद ब खुद और वह अलमा तशदीद के साथ क्या मतलब है कि उसको सिखाया अल्लाह ताला ने ठीक है इसको एक दफा फिर रिपीट करता हूं लहनी जली हाँ कोई सात नंबर का पूछ रहे कोई आठ नंबर का पूछ रहे कोई तो एक दफा दोबारा सुन ले दोबारा सुन ले शुरू से जिस जिस नंबर में किसी का सवाल हो तो वो अपना नंबर नोट कर ले लहनी जली लखनी खफी का क्या मतलब था वो गलती जिससे लफ्ज और माना तब्दील ना हो या सिर्फ जिससे माना तब्दील ना हो लेकिन तिलावत की खूबसूरती में फर्क आ जाए यह उसका अपोजिट है लहनी जली लहनी जली वो गलती है जिससे अल्फाज और जिससे अल्फ़ाज़ और मानी दोनों तब्दील हो जाए लहनी जली है इसकी क्या सूरतें हो सकती है नंबर एक किसी हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना किसी हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना नंबर एक है ये मसलन, कुल और कुल बड़ा काफ और छोटा काफ़ काफ़ बड़ा काफ का मतलब है कुल कहो छोटा काफ़ कुल खाओ इसी तरह इस्मुन सा के साथ इसका मतलब है गुनाह इस्मुन सीन के साथ इसका मतलब है नाम नाउन नंबर दो किसी हरत हरफ को नॉर्मल पढ़ना था आपने उसको ज्यादा खींच लिया तब तो भी ये लहनी जली है मीनिंग चेंज हो जाएगी मसलन काला को नहीं खींचना था आपने इसको खींच लिया काला तो काला का मतलब है एक बंदे ने कहा और अगर आप इस्लाम को खींचेंगे काला इसका मतलब है दो बंदों ने कहा तो ये भी लहनी जली है उसके बाद नंबर तीन किसी हरफ को कम कर देना किसी हरफ को क्या करना कम कर देना दो और तीन एक दूसरे के अपोजिट है वला तक हादी श्ला कुरान में फरमाते दे कि वाला तक्रबा बा के ऊपर जो है ना वो है बा के बाद अलिफ है यानी आप दोनों करीब मत हो लेकिन अगर आप इस बा को कम करेंगे कीचिंग ये नहीं तो इसका मतलब फिर एक हो जाएगा तस्निया से मुफरत पे आ जाएगा नंबर चार एक किसी हरकत की जगह पर दूसरी हरकत पढ़ना पहला तो हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ना अब हरकत की जगह पर दूसरा हरकत लाना मसलन इले का आपकी तरफ इसका मतलब है इले का आप की तरफ क्या मर्द से मुखातिब है लेकिन आप जेर लगाएंगे तो ये खा, खा, खातून मुराद होगी फिर इसी तरह जजाकल्ला मर्द का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जजाकल्ला उसको दुआ दे रहे हैं अल्लाह ताला आपको जजाय खैर लेकिन अगर आप किसी खातून को ये कहे कह रहे हैं तो आप कहेंगे जजाकिल्ला जेर लगाएंगे इसी तरह अंता, आप मर्द से मुखातिब है उसका मतलब भी आप है लेकिन जेर लगाएंगे अगर आप औरत से मुखात है नंबर पांच किसी किसी मुतहर्रिक को साकिन कर देना जाअला ना या खलाका ना जाअला ना उसने हमें बनाया और जाअल ना लाम को अगर आप साकिन करेंगे इसका क्या मतलब है हमने बनाया तो बिल्कुल मान तब्दील हो जाएगा फाइल जो है वो मफरूल हो जाएगा और मफरूल जो है वो फाइल बन जाएगा इसी तरह किसी साकिन को मुतहरिक पढ़ना खलक ना अल्लाह पैदा किया नहीं खल ना हमने पैदा किया खलाका ना अगर आप मुतहरिक लाम को पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि अल्लाह हमें पैदा किया इसी तरह मुहफ्फ़ को मुश्द्द पढ़ना न आलमू की जगह पर नमना नमूँ हम जानते हैं हमें पता है नमूँ हम सिखाते हैं इसी तरह मुश्द को मुहफ्फ़ पढ़ना वालम आदमा अल्लाह ताल सिखाया आदम, ताला ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम लेकिन अगर आप विलम इसका मतलब होगा कि उसने खुद ब खुद जान लिए यहाँ तक अगर किसी का सवाल हो तो बता सकते हैं आज की क्लास में और या पिछली क्लासों में जो समझना आया हो तो वो पूछ सकते हैं जी यहाँ तक अगर किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं नहीं है कोई सवाल इसका हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं अभी लहनी खफी का हमने प्रैक्टिस किया था लहनी जली का आज प्रैक्टिस करते हैं जी सबसे पहली पॉइंट पे आए पहली सूरत जो हमने बताई थी किसी हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना ठीक है ये बिस्मिल्लाह पर गौर करें अभी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्ला में देखे इस्म बा के बाद जो इस्म है यानी अल्लाह के नाम से अब इस सीन को आप सा पढ़ें तो क्या मीनिंग तब्दील होगी अगर आपने बोली बिस्मिल्ला सीन को आपने सख्ती की जगह सख्ती करनी थी सीन की अदायगी में आपने उसको सॉफ्ट पढ़ लिया तो का मतलब है नाम यानी अल्लाह के नाम से और अगर आप इसम नरमी से पढ़ेंगे इसका मतलब है गुना तो आप अंदाजा लगाए अल्लाह के नाम से आप मदद लेना चाह रहे हैं और इस समय आप कह रहे हैं तो गुना क्या मतलब हो सकती है आप खुद अंदाज़ा लगा लें ठीक है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है और ये लहनी जली है लहनी जली है तो आपने बिस्मिल्लाह को सीन की अदायगी बिल्कुल सही करनी है और ये इंशाल्लाह मखारिज के चैप्टर में आपको पता चल जाएगा ये सारा और सबसे अहम जो बाब है तजवीद में वो महारज का ही है क्योंकि तारीफ में भी हमने बताया था कि तजवीद में क्या है कि मखरज को सही से अदा करना है किसी हरफ को अपने मखरज से सही से सिफात के साथ अदा करना तो महारज जानना बहुत जरूरी है और महारज का चैप्टर इन आगे आएगा और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि किस हरफ को किस तरह अदा करना है कैसे अदा करना है मुँह के किस जगह से अदा करना है इनशाला वो आपको वहां पर पता चलेगा

सूरत नंबर चार को देखे किसी हरकत को चेंज करना अगर आपने हरकत को चेंज कर दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगी यहां पर काफ के ऊपर जबर है इया का नू और अगर आपने इया के अगर कर दिया तो बिल्कुल गलत और गुनाह हो जाएगा की खातून के लिए इस्तेमाल होता है मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है कि जेर और जबर जो है ना मर्द के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है तो मीनिंग गलत हो जाएगी। जाएगीया का नीन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم زبر ہے اس کو زیادہ نہیں کیچنا ہے اگر اپ نے کیچ لیا انعمت تو میننگ غلط ہو جائے گی تسنیہ میں بات چلی جائے گی. غير المغضوب عليهم ولا ठीक है बाकी मिसालें जो जो सबक आप पढ़ते हैं रोज़ाना यानी हफ्ते में एक बार जो क्लास होती है उसका आप प्रैक्टिस किया करें उसको उन कवायद को फोकस किया करें क़ुरान में जब आप तिलावत कर रहे होते हैं तो उन कवायद को सामने रखकर या जो नोट्स आपके पास है जो आप लिख रहे हैं उसको बिल्कुल सामने रख उनको प्रैक्टिस करें कवायद को और अपनी गलतियां निकालें और इनशाला फिर हम अगर मौका मिला तो एक एक से हम तिलावत भी सुनेंगे और जिसकी जो ग़लती होगी हम उसकी असलाह भी करेंगे इनशा और यहाँ पर क्लास की टाइम भी ख़त्म हो चुकी है तो अगली क्लास तक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज thank <laughs> you